मैं काव्य पाठ के क्रम में हूँ। बहुत बहुत बधाई देता हूँ आदरणीय राजेश वर्मा जी के परिवार के जो लोग हैं, उनके कुल के जो लोग हैं, उनके मित्रगण हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने उनकी स्मृतियों को जीवंत रखने का उपक्रम किया है। मैं काव्य पाठ के क्रम में हूँ, चार पंक्तियाँ उस स्मृति शेष व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि स्वरूप अर्पित करता हूँ। उसके बाद अगर आप सबका स्नेह मिलेगा तो दो चार पांच मिनट मुश्किल से मैं काव्य पाठ 5-6 मिनट करूंगा, लेकिन चार पंक्तियां उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ कि फूल मुरझाएं या कुचल दिए जाएं, किंतु आसपास अपने सुवास छोड़ जाते हैं। फूल मुरझाएं या कुचल दिए जाएं, किंतु आसपास अपने सुवास छोड़ जाते हैं। और ठीक वैसे पतझर जीकर के बड़े लोग दूसरों के लिए मधुमास छोड़। फूल मुरझाए या कुचल दिए जाए, किंतु आस पास अपने सुवास छोड़ जाते हैं। और ठीक वैसे पतझर जीकर के बड़े लोग दूसरों के लिए मधुमास छोड़ जाते हैं। तो सांस टूट जाए, किंतु टूटते नहीं कभी वे, ऐसी अपनी ये टूट सांस छोड़ जाते हैं। और मरकर भी महापुरुष पीढ़ियों के लिए अपना अमर इतिहास छोड़ जाते हैं। आप सबका स्नेह मिला, चार पंक्तियां। संकट मोचन की गोद में हूँ, उनके दरबार में हूँ, और लगभग सभी ने अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी का नाम लेकर के काव्य पाठ का शुभारंभ किया। मैं भी चार पंक्तियां उनके चरणों में रखता हूँ, अपनी काव्य यात्रा शुरू करता हूँ। वे मेरे आराध्य हैं और मुझे जैसे तमाम लोगों के आराध्य हैं। और मैं वंदना की चार पंक्तियां अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में रखता हूँ। अपने ढंग से सुनिएगा और यहीं से मुझे आदेश दे दीजिएगा, आपके बीच में कुछ देर संवाद स्थापित कर सकूं कि राम गुण गायक हो, संतों के सहायक हो, ज्ञानियों के नायक हो न्यारे हनुमान जी। राम गुण गायक हो, संतों के सहायक हो, ज्ञानियों के नायक हो न्यारे हनुमान जी। राम जी के प्यारे माता अंजना के हो दुलारे, जानकी के नयनों के तारे हनुमान जी। केसरी के लाल राम द्रोहियों के लिए काल, भक्तों के मिटाओ कष्ट सारे हनुमान जी। ओ कति राज कल काल की कुचाल से उबारो, वीर हरो जग की हमारे हनुमान। कपिराज कल काल की कुचाल से उबारो, पीर हरो जग की हमारे हनुमान जी। आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, आजादी के अमृत महोत्सव के संबंध में कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। कविता की श्रेणी में तो नहीं है, जहां आदरणीय डॉक्टर अनिल चौबे जैसे कविता के विशुद्ध हास्य कविता के बड़े रचनाकार हो, हस्ताक्षर हो, वहां केवल जचवा रहा हूं कविता जैसा कुछ नहीं है। लेकिन इन पंक्तियों में कहीं पूरे हिंदुस्तान के दर्शन हो जाए। आजादी का अमृत महोत्सव जब पूरा देश मना रहा है और अमृत महोत्सव की इस यात्रा में हर पूरे देश का प्रत्येक प्रदेश कहीं ना कहीं उपस्थित होता दिखाई पड़े, तब पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं। एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेश दे दीजिए कि आजादी का अमृत महोत्सव हम भी शामिल हैं, आप भी शामिल हो, सभी लोग शामिल हैं, पूरा हिंदुस्तान शामिल है। कि वादिये कश्मीर की महकी हवाएं कह रही, वादिये कश्मीर की ठंडी हवाएं कह रही, वादिये कश्मीर की ठंडी हवाएं कह रही, मिजोरम मणिपुर मेघालय की सदाएं कह रही, तमिल उत्कल असम केरल मस्त हो सब गा रहे, तेलंगाना आंध्र कर्नाटक सभी हर्षा रहे, तेलंगाना आंध्र कर्नाटक सभी हर्षा रहे, मन लुभावन है छुवन छत्तीसगढ़ के छंद की, यूपी एमपी सब जगह बरसात है आनंद की, मस्त मौसम झारखंडी बिहारी बाना अजब, अपनी अलबेली ठसक में दिखता हरियाणा गजब, वो हिमाचल के हंसी मंजर वो कुल्लू कांगड़ा, देखिए पंजाब कैसे कर रहा है भांगड़ा। वाह वाह, वादिये कश्मीर की ठंडी हवाएं कह रही, मिजोरम मणिपुर मेघालय की सदाएं कह रही, तमिल उत्कल असम केरल मस्त हो सब गा रहे, तेलंगाना आंध्र कर्नाटक सभी हर्षा रहे, मन लुभावन है छुवन छत्तीसगढ़ के छंद की, यूपी एमपी सब जगह बरसात है आनंद की, मस्त मौसम झारखंडी बिहारी बाना अजब, अपनी अलबेली ठसक में दिखता हरियाणा गजब, वो हिमाचल के हंसी मंजर वो कुल्लू कांगड़ा, देखिए पंजाब कैसे कर रहा है भांगड़ा। आज नागालैंड अरुणाचल सभी मस्ती में है, अजब रौनक छोटे से सिक्किम की हर बस्ती में है, उत्तरांचल गर्व से उन्नत यहाँ माथा लिए, और राजस्थान अपने शौर्य की गाथा। उत्तरांचल गर्व से उन्नत यहाँ माथा लिए, और राजस्थान अपने शौर्य की गाथा लिए, त्रिपुरा गोवा सभी गर्वित गर्व में गुजरात है, और अपनी उस मराठी शान की क्या बात है, संघ शासित प्रदेशों की आजादी के इस अमृत महोत्सव में उपस्थिति। आज सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा कि त्रिपुरा गोवा सभी गर्वित गर्व में गुजरात है, और अपनी उस मराठी शान की क्या बात है, दिल्ली चंडीगढ़ दमन दादर नगर लद्दाख में, लक्षद्वीपों पांडिचेरी अंडमानी आंख में, एक अलबेली अलौकिक है चमक उल्लास की, और अपने
अरब सागर से कहे खाड़ी यही बंगाल की, अरब सागर से कहे खाड़ी यही बंगाल की, हो गई है अपनी आजादी 75 साल। अरब सागर से कहे खाड़ी यही बंगाल की, हो गई है अपनी आजादी 75 साल की। राष्ट्र की वंदना करने का आदेश दिया है अग्रज आदरणीय चौबे जी ने, मैं राष्ट्र की वंदना के लिए खड़ा हूँ। गायन्ति देवाः किलगीतिकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भाग्य की अवधारणा को, इस उद्घोष को जीने वाला हमारा देश रहा है। आइए माँ की वंदना से कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ। भारत माँ की वंदना के कुछ छंद आपके बीच में निवेदित करके अपना स्थान लेना चाहता हूँ। निवेदन करता हूँ, दो तीन छंद सुना क्या रहा हूँ, मिर्जापुर की साहित्यिक उर्वरा धरती पर आप सबसे जचवा रहा हूँ। अगर आप सबने जांच दिए तो कहीं ना कहीं कभी मैंने कहा था आदरणीय शैलेंद्र मधुर जी से कि मिर्जापुर की साहित्यिक यात्रा मुझे करवाइएगा, तो इन्होंने वादा किया था कि मैं कभी न कहीं मिर्जापुर की कवि सम्मेलन में तुम्हें ले चलूंगा। और याद रखना नीरज, मिर्जा किसी भी कवि की सफलता का रास्ता मिर्जापुर होकर के जाता है। आज मैं मिर्जापुर आ गया हूँ, अब मेरी सफलता का रास्ता यहीं से तय करेंगे आप लोग। मैं निवेदन करता हूँ, भारत माता की वंदना करता हूँ कुछ छंदों के माध्यम से। ऋषभ भाई सुनिएगा कि देवताओं ने भी बार बार अवतार लेके मस्तक पे अपने जहाँ की धूल धारी है। देवताओं ने भी बार बार अवतार लेके मस्तक पे अपने जहाँ की धूल धारी है। नगराज मस्तक का ताज बन के विराजे और चंद्र तारकों ने आरती उतारी है। ऋतुएं हैं पहनाती नित्य नए परिधान जिन पद कमलों का सिंधु भी पुजारी है। ऋतुएं हैं पहनाती नित्य नए परिधान जिन पद कमलों का सिंधु भी पुजारी है। शश्र श्यामला है, सुजला है, सुफला है, यह विश्व वंदनीय भूमि भारती हमारी है। नदी झील झरनों की झांकी मनमोहक है, सुमनों से सजी घाटी घाटी मेरे देश की। नदी झील झरनों की झांकी मनमोहक है, सुमनों से सजी घाटी घाटी मेरे देश की। सुर सरिता सी सौम्य संस्कृति की सुहास विश्व भर में गई है बांटी मेरे देश की। पूरी धरती को एक परिवार मानने की पावन प्रणम में परिपाटी मेरे देश की। शत शत बार वंदनीय अभिनंदनीय चंदन से कम नहीं माटी मेरे देश की। और चार पंक्तियां निवेदित करता हूँ, चार पंक्तियां निवेदित करता हूँ। सब कहते हैं मेरा भारत महान, लेकिन मेरा भारत महान क्यों है? एक छोटा सा विचार देता हूँ। तमाम कारण हो सकते हैं भारत के महान होने के, लेकिन एक छोटा सा विचार एक छोटा सा कलमकार आपके बीच में रखना चाहता है कि देश की सुरक्षा में हथेली पर जान लिए सीमा पर दिन रात जागता जवान है। देश की सुरक्षा में हथेली पर जान लिए सीमा पर दिन रात जागता जवान है। हर हाल में हो देश खुशहाल इस हेतु अपना पसीना बोता खेतों में किसान है। प्रण को निभाने में गवाना प्राण भी कबूल अतिथि यहाँ पे होता देवता समान है। ज्ञान स्वाभिमान त्याग बलिदान की है खान पूरी दुनिया में मेरा भारत महान है। और सौमनस की धरती है मिर्जापुर। जब मैं आया वैनर में मैंने तमाम नाम पढ़े, इसमें तनवीर रजा भी इस संकट मोचन मंदिर के इस प्रांगण में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभाते हैं। इलियास खान भी अपनी भूमिका निभाते हैं। तमाम ये सौमनस की भूमि है। सांप्रदायिक सौहार्द का एक छंद आपके बीच में निवेदित करता हूँ, सुनिएगा कि कान्हा की कला पे रीझ कर भक्ति भावना के छंद रचते हैं रसखान मेरे देश में। कभी इस देश में आवाजें उठती हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, हर घर से अफजल निकलेगा। लेकिन सच मानिए, यकीन मानिए, जिस देश में गोस्वामी तुलसीदास की चौपाइयों के साथ अब्दुल रहीम खान 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 खाना के दोहे लय से लय मिलाते हो, जिस देश में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाकुल्ला का फांसी के फंदे का वर्ण कर लेते हो, जिस देश में अब्दुल हमीद और अब्दुल कलाम के प्रति लोगों के दिलों में आस्था का सागर हिलोरे मारता हो, उस देश में किसी भी घर से कतई कोई अफजल नहीं निकलेगा। और अगर किसी घर से किसी अफजल ने निकलने की सूरत की तो उसका उपचार करना भी हम जानते हैं। चार पंक्तियां कभी कही थी, याद आ गई, आपके बीच में पढ़ता हूँ कि ऐसे लोग कैसे लोगों का जन्म होगा इस देश में कि नाम ऊंचा करते हैं देश में जो, नाम ऊंचा करते हैं देश का जो दुनिया में, ऐसे सरनाम यहाँ नाम पैदा होते हैं। कैसे लोग इस देश में पैदा होते हैं होते रहेंगे कि नाम ऊंचा करते हैं देश का जो दुनिया में, ऐसे सरनाम यहाँ नाम पैदा होते हैं। दमदार
कदम बढ़ाते हैं जो राह में तो मंजिलों के दिलों में सलाम है। शेखर भगत अशफाक बिस्मिल बोस खुदीराम उधम तमाम पैदा होते हैं और निकलेंगे नहीं अब जल जैसे आतंकी यहाँ यहाँ तो हमीद व कलाम पैदा। बहुत अच्छा। तब निवेदन करता हूँ कि कान्हा की कला तेरी जिक्र भक्ति भावना के छंद रचते हैं रस खान मेरे देश में तुलसी के साथ में रहीम से मुसलमान है निभाते कविता की आन मेरे देश में बिस्मिल और अशफाक से उदाहरण साथ साथ देते बलिदान मेरे देश में जब भी जरूरत पड़ी है तब तब हुए एक हिंदू व मुसलमान मेरे देश में सांस सांस में निहित हो सदैव देश हित नित्य देश की कुशलता की कामना करें सांस सांस में निहित हो सदैव देश हित नित्य देश की कुशलता की कामना करें और गर्व है स्वदेश यह सर्व है स्वदेश यह मन वाणी कर्म से स्वदेश साधना करें विश्व भर में विशेष देश को बनाने हेतु मुश्किलों का हम मुस्कुरा के सामना करें और जब तक जिए हर क्षण राष्ट्र के लिए हो राष्ट्र देवता की हम सब वंदना करें। और आइए चलते चलते दो तीन छंद एक पिता की स्मृति में ऋषभ ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं उनकी ओर से पितृपक्ष का समापन भी हुआ है। पिता शीर्षक से मेरे दो तीन छंद सुन लीजिएगा आशीर्वाद दे दीजिएगा और मैं मेरे पहचान के छंद हैं जिन छंदों से थोड़ी बहुत पहचान बनी मेरी वो दो तीन छंद सुन लीजिएगा डेढ़ दो मिनट में। भाई साहब आप बैठ जाइए भैया भैया एक बार ताली बजा दीजिए। पिता वास्तव में क्या होता है माँ पर तो बहुत कुछ कहा गया पिता पर कुछ कहने की आदरणीय अनिल दादा कोशिश की है कि जिंदगी में जिम्मेदारियों को जीता रहता है बेटों बेटियों का अरमान होता है पिता जिंदगी में जिम्मेदारियों को जीता रहता है बेटों बेटियों का अरमान होता है पिता बच्चों की खुशी के जो हमेशा ख्वाब देखता है चमन का वो बागवान होता है पिता हर पहचान जिसके बिना अधूरी रहे रक्त की हमारे पहचान होता है पिता भूमि से भी भारी माँ हमारी होती है जहां में और आसमान से महान होता है पिता दुनिया में आदमी की जिंदगानी वाला पौधा माता और पिता द्वारा ही लगाया होता है माता पिता की दुआएं साथ जिनके न होती हर रिश्ता उनके लिए पराया होता है माँ की ममता पिता के फर्ज वाला एहसास आदमी की सांस सांस में समाया होता है माँ की ममता पिता के फर्ज वाला एहसास आदमी की सांस सांस में समाया होता है होते हैं वे लोग दुनिया में भाग्यशाली बड़े शीर्ष पर जिनके पिता का साया होता है लेकिन आज स्थितियां बदली बड़े बड़े महानगरों की स्थितियां ये हो गई कि लोग अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रमों में छोड़ आने लगे तब ऐसी स्थितियों में चार पंक्तियां निकली आपके बीच में निवेदित करता हूँ निवेदन करता हूँ सुनिएगा कि जिन बच्चों की पढ़ाई और परवरिश में खो के सब कुछ कर्जदार हो गए पिता जिस घर का उठाते रहे वे हमेशा बोझ आज उसी घर का है भार हो गए पिता चेहरे की मजबूरियां न कोई पढ़ता है आज से रद्दी अखबार हो गए पिता जिस घर का उठाते रहे वे हमेशा बोझ चेहरे की मजबूरियां न कोई पढ़ता है आज से रद्दी अखबार हो गए पिता जिन बच्चों से भविष्य की बड़ी अपेक्षा रखी उन्हीं की उपेक्षा का शिकार हो गए पिता। तब चार पंक्तियां निवेदित करता हूँ अब मेरे नौजवान मित्रों से कि मेरे भाइयों मेरे साथियों अपने संस्कार बचा लेना अपनी तहजीब की हिफाजत कर लेना बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है। निवेदन करता हूँ ऐसे समारोहों को आयोजित करने की आवश्यकता इसीलिए है कि हमारी नौजवान पीढ़ी कहीं सांस्कृतिक प्रतिबद्धता से च्युत न हो जाए इसलिए चार पंक्तियां निवेदित करता हूँ और अपना आशीर्वाद दीजिएगा अपना स्थान लेता हूँ कि 30 मार खा दबंग बनने की चाहत में अमर शहीदों की पसंद को न भूलना 30 मार खा दबंग बनने की चाहत में अमर शहीदों की पसंद को न भूलना चाउमीन पिज्जा की दीवानी दुनिया के लोगों बासमती चावल की गंध को न भूलना चाउमीन पिज्जा की दीवानी दुनिया के लोगों बासमती चावल की गंध को न भूलना मानवीय मूल्य मिटने न पाए इसलिए राष्ट्रवादी
क्षय व सलमान वाली पीढ़ी के जवानों, राम कृष्ण व विवेकानंद को न भूलना। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।